morning, ma'am. मैम ये आउटफिट किसके लिए? तो गाइस आपने वो ट्रेलर देखा सास बहू और फ्लेमिंगो का? यस है ना? तो उसमें जो गाना भी है रिश्तों की भी रूप बदलते हैं कितना कूल है ना, तो ये आउटफिट उसी शो से इंस्पायर्ड है। सो उसमें डिम्पल जी, अंगीरा, राधिका, तो बहुत ही बैड ऐस लड़कियाँ हैं, सब ने बिल्कुल फाइट वाइट कर रही है गन लेके, तो मैंने टॉप वैसे ही रखा है और स्कर्ट यू नो उनके कॉस्ट्यूम से इंस्पायर है जो जहाँ पे लोकेशन में सेट है। एंड आई फील इट्स अ बैड ऐस शो, बहुत ही सेक्सी शो है, बहुत ही अमेजिंग है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रहा है 5 मई को। एंड सो आई वाज मतलब आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय बैड ऐस वुमेन। जब भी कोई औरत लड़ती है ऐसे कुछ करती है यू नो अपना अपनी पहचान बनाने के लिए, बस अपना काम करने के लिए, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। सो आई वाज जस्ट रियली इंस्पायर्ड बाय द शो। तो आप लोग भी जाके प्लीज देखना सास बहू और फ्लेमिंगो ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऑन 5 मई। द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। जब वो शुरू होता है ना उसका गाना ट्रेलर में रिश्तों के भी रूप बदलते, तो आई थॉट इट्स दैट सास बहू शो, पर बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। इट्स अमेजिंग। मैम इधर ऊपर रुकिए ना, इधर ऊपर आओ, थोड़ा ना थोड़ा क्लियर कर दो, पीछे थोड़ा क्लियर कर दो, ये परसेंट है, ये लेट हो गया, मैं दोबारा कुछ नहीं बोल रही, ये इनसे क्लिप लो। बंदूक का क्या मतलब है मैम? तो शो का ट्रेलर देखा है, औरतें कितनी बैड एस है, बंदूक लेके लड़ती रहती हैं, सो बस उसको सिग्निफाई करने के लिए कि जब भी एक औरत को कुछ करना होता है ना, तो उसको अपने हाथ में बंदूक तानी होती है अपना काम करने के लिए। तुम बाकी इनसे ले लेना, बोल लंबा छोड़ा। थैंक यू मैम। थैंक यू।